भाई और बहनों, कानपुर उद्योगों का शहर है और उद्योगों के लिए अच्छी बिजली इसकी व्यवस्था ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आप सभी को भलीभांति पता है कि पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी। अब योगी जी की सरकार ने जिस तरह बिजली पर काम किया है, उसने यहां के लोगों और उद्यमियों को पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाई है। बिजली को लेकर कैसे राजनीति की गई, इसका उदाहरण पनकी विद्युत परियोजना है। इस परियोजना में एक यूनिट 52 साल पहले लगी थी। कितने साल पहले? कितने साल पहले? जरा कानपुर के लोग भूलिए मत इन चीजों को। कितने साल पहले पहली यूनिट लगी थी? और दूसरी यूनिट लगी थी 43 साल पहले, 43 इयर्स के पहले। इतने वर्षों तक काम करते करते मशीनें भी हांफने लगती है, और इसका नतीजा ये हुआ कि एक यूनिट बिजली 10 रुपये की पड़ रही थी और कोयला भी ज्यादा खा रही थी। इसी स्थिति को बदला जाना जरूरी था। साथियों, आज से लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से पनकी विद्युत परियोजना के विस्तारीकरण का काम शुरू हो जाएगा। इससे जो बिजली बनेगी वो आधे से भी कम कीमत में उपलब्ध हो पाएगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। और मेरे कानपुर के भाइयों बहनों, हमारे काम को आप जानते हैं ना? जानते हैं ना? जिस काम का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के अंदर जब ये कारखाना पूरा हो जाएगा तो उसका उद्घाटन करने के लिए भी भाइयों और बहनों, हमारी सरकार उद्योगों के साथ साथ सामान्य लोगों को यूपी के हर जिले में बिजली व्यवस्था सुधारने पर जोर दे रही है। सौभाग्य योजना के तहत अब तक यूपी में करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया गया है। 75 लाख से भी ज्यादा लोगों को, अगर मैं सिर्फ हमारे इस कानपुर क्षेत्र की बात करूं, 1.5 लाख से ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन देकर लोगों के जीवन से अंधेरा मिटा दिया गया है। सरकार द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों और सामान्य जनों को पर्याप्त बिजली मिल पाए। मैं तो कई बार हैरान रह जाता हूं कि पहले किस तरह की सरकारें चलाई गई। सोचिए, कानपुर जैसा औद्योगिक नगर, आर्थिक गतिविधि से दौड़ता नगर, ऐसी स्थान पर 1.5 लाख घर
शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे। अगर उन सरकारों की नीयत गरीब का भला करने की होती तो यह अंधेरा बहुत पहले दूर हो चुका होता है।